अरे थैंक यू आप लोग आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। नेक्स्ट टाइम ब्रो, हम तो आ गए, बात करने की बात हुई। अच्छा अच्छा हाँ, तो सब लोग को पता है आईजीसी क्या है, बताओ पहले, बाकी मतलब जो आईजीसी नहीं हो फिलहाल। भैया मैं तो कल सुबह ही आया था। बहुत लोग बोलते हैं फॉर लाइक आउटसाइड, जब भी आप देखते हो, आप कोई भी वीडियो देखोगे जो मतलब इंडिया से नहीं है, दे विल ऑलवेज सी कि मुंबई सर्वर्स आर टॉक्सिक। वी हम लोग को ऐसा करना है कि बाय नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हम लोग टॉक्सिसिटी मतलब 2 साल के अंदर हम लोग खत्म कर दें मुंबई सर्वर में। एंड एज अ कम्युनिटी वी वांट टू होस्ट टूर्नामेंट्स इन इंडिया और हम चाहते हैं कि ये एक बिग शॉट बने। एंड एक्चुअली वी आर सीरियसली डेडिकेटेड टू इट्स। तो अभी हम लोग ने शुरू किया है दिस ईयर 2023 और हम लोग चाहते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर हम लोग एटलीस्ट रिकॉग्नाइज्ड है, ताकि हम लोग कहीं पे भी जाए तो एटलीस्ट वो लोग बोल सके कि हाँ हमने आईजीसी का नाम सुना है। हम लोग को उस मंजिल तक पहुंचना है एंड वी वॉन्ट टू एलिमिनेट टॉक्सिसिटी इन मुंबई सर्वर बिकॉज आई एम एक्चुअली सिक ऑफ हियरिंग कि बाहर से मैंने इतने यूट्यूब मैंने वीडियोज देखे कि हर एक मतलब जो भी हो, चाहे कोई मतलब कोई भी मतलब जापान से होगा हो, मतलब कोई भी गेमर हो, मैं उनकी वीडियो में हमेशा दिखाऊँ, जब भी वो उनके व्यूज आते हैं मुंबई पे इट इज ऑलवेज टॉक्सिक। मतलब हमेशा यही बोलते हैं मुंबई इज मतलब मुंबई में जितने लोग खेलते हैं दे आर टॉक्सिक, दे आर एक्चुअली ट्राई हार्ड्स, वो लोग मतलब माइक स्पैम करते हैं, वो लोग गालियां देते हैं, हमें ये हटाना है। एंड सेकेंडली एक और चीज भी है, मुंबई सर्वर में टॉक्सिसिटी तो है और जो ये बीच बीच में जो गेम्स के बीच में AFK हो जाना, गेम को क्विट कर देना, टीम खुद की टीम को डैमेज देते हैं, ये सारी चीज मुंबई सर्वर में ही सबसे ज्यादा मिलती है देखने को भी, इसलिए अच्छा। वो इस चीज से बचते भी हैं ज्यादा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं सबके लिए, ठीक है, ये मुंबई सर्वर ही क्यों टॉक्सिक है, इसका कोई एक बंदा सही जवाब। हां जरूर भाई आ जाओ डिस्कॉर्ड पे आ जाओ यार, मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो भी होते हैं सब यूट्यूब चैट को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ईगो हर बंदा का ईगो है ना, वो दैट इज उसको थोड़ा फोकस कम करेंगे मोस्टली, ये बात कर रहे हैं कि तुम लोग वॉइस समझ लो, कोई लो रैंक का बंदा आ रहा है हु इज नॉट हैविंग अ क्रेडिट, राइट, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन। फॉर एग्जांपल आज फॉर एग्जांपल लेट्स टेक बनी भैया, लाइक हमारे व्लॉगर भैया, सो वो ही इज एक्चुअली वर्किंग अ जॉब, मतलब ठीक है, एज एन एग्जांपल आई एम टेलिंग, आई डोंट नो मतलब क्या, मतलब मैं प्रॉपर टर्म क्या, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इफ ही इज वर्किंग एवरी डे ही इज एक्चुअली टायर्ड, ही इज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड एंड एट द एंड ऑफ द डे वो चाहते हैं कि वो अपना माइंड मतलब कूल करे, सो ही विल गो इनटू एनी गेम, ही विल लोड इट अप। अब अगर एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा क्या कर सकता है, वो दो चीज कर सकता है, नहीं तो वो मतलब उस गंदे टीममेट को इग्नोर करे और अपना हार मान ले, नहीं तो ही कैन बिल्ड अप हिज एंगर इनसाइड और उसके ऊपर लेट आउट कर दे, दैट इज फ्रस्ट्रेशन, फर्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन, Second is ego. Ghamand hona. That is the second thing. First thing is always anger and frustration. अगर toxicity leads, अगर होता है तो मतलब toxicity कैसे build होता है? Frustration, anger and ego. ये तीन चीज हमें make sure करना है कि हम लोग अपनी community को अच्छा बनाए, ताकि लोग समझे कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, हम लोग को मतलब इसको वर्कआउट करना होगा, लाइक यू कैन नॉट जस्ट लाइक आप अपना एंगर किसी का अनलीश नहीं कर सकते, हम लोग को ये एक मतलब मैसेज पहुंचाना है लोगों को कि समटाइम्स एंगर इज नॉट द ओनली आंसर, और समटाइम्स एक और चीज होता है मुंबई सर्वर में सबसे, शायद से हो सकता है दूसरे बंदे का भी दिन बुरा जा रहा हो, अच्छा नहीं खेल पा रहा है, नेक्स्ट मैच यू कैन ऑल्सो पॉप अप, ऐसा हो नहीं सकता, योर आपका फर्स्ट मैच में यू कैन गेट 2 kills, यू कैन डाई 23 times, ठीक है, नेक्स्ट मैच यू कैन पॉप इट ऑफ, आप देखना ऑटोमेटिकली यही होता है, आप पहला दो मैच हमेशा ही हारते हो, उसके बाद ही आपके मतलब थर्ड या फिर सेकंड मैचेस हमेशा अच्छे जाते हैं, एंड दिस इज अ फैक्ट। और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बता, जो बंदा इंस्टा लॉक मार रहा है ना वो कॉन्फिडेंट होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, एक्चुअली मैं ये क्लियर करता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस कैसे, मैं बता रहा कि उसने ले लिया ठीक है,
जैसे वो इंस्टा लॉक मारेगा बाकी के चार बंदे, भाई इसने इंस्टा लॉक मार दिया ये वो करके क्या रहता है एक पर्टिकुलर करेक्टर को गेम स्टार्ट होती स्पैम क्लिक करके ना उसको सेलेक्ट कर लेना सो दैट अदर कोई उस करेक्टर को ना खेल पाए. एंड इसमें काफी चूजी रहते हैं बिकॉज इसमें कुछ करेक्टर्स को ना लोग ग्राइंड करके रखते हैं अपने लिए दैट आई एम वेरी गुड ऑन दैट करेक्टर मे बी रेना जेट और समथिंग. तो बेसिकली क्या रहता है मैं भी अपने भी बताऊं ऑनेस्टली मैं पहले रेना खेलता था काफी व्हेन समवन यूज्ड टू लाइक कोई इंस्टा लॉक कर लेता ना मैं भी फ्रस्ट्रेट होता था. फिर मैंने फिर करेक्टर मल्टीपल करने चालू करे अदर करेक्टर्स खेलना चालू करा तो आई गेट यूज्ड टू इट किसी ने इंस्टा लॉक कर लिया लेट इट गो मैं दूसरा करेक्टर खेलूंगा. बट ये जो टीनेजर वगैरह है काफी लोग उनके अंदर ईगो इतनी आ जाती है ना गाली गलौज के ऊपर फिर वो उस चीज को पूरा स्टिक करके रखते हैं पूरा गेम के एंड तक. तुम हार रहे होगे ना फिर वो सारा ब्लेम उस बेशक वो टॉप फ्रैग कर रहा हो इंस्टा लॉकर वो सारा ब्लेम उस पर जाएगा अगर तू मेरा करेक्टर ये नहीं लेता तो मैं तुझे कैरी करता ये सारी चीजें करता वो फिर गाली गलौज में कन्वर्ट हो जाती है बातें मैच के एंड तक. Anybody wants to pitch in? Like किसी और को apart from us और कोई please आओ यार talk with us. एक second guys ये सब चीज तो मैंने बातचीत हम लोग बातचीत कर रहे हैं gaming related तो इसके बीच में थोड़ा सा मतलब कड़क चीज होना चाहिए है कि नहीं बताओ पहले. Sure. मुझे नहीं आता गाना अगर कानों से खून निकल दे मैं तो माफ कर देना. कभी तेरा जाना हुआ मस्त गाना है गाइस फटाफट डिस्को ज्वाइन कर दो रे और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो. जमाना हुआ ओ मेरा समय तो वही पे है ठहरा हुआ क्या क्या हुआ ओ खामोशिया आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी थैंक यू खिल जाएगी घर इनको बुलाओ कभी करने को कहने दो इनको जरा मन माझी रे बोलना कोथाय मन माझी रे आई फिर आई फिर रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ
कहीं पे सवेरे आवारगी रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नजर मैं बारिश की बोली समझी था हवाओं से मैं उलझता नहीं था हसीने में दिल ने कहा थी मुझे ये खबर क्या हाल हो गया ये मेरा आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कोई नहीं जरूरी कोई चैट में जो जो वन साइडेड लवर है ना लिटरली